फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी टू यू एंड योर फैमिली. मैं बप्पा ब्लेस यू विद लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस एंड जॉय इन योर लाइफ. तो गाइस, आज ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है मेरे लिए एंड आई हैव रियली एंजॉयड मेकिंग दिस वीडियो, क्योंकि आज ये वीडियो होने वाली है हम सबके फेवरेट फेस्टिवल गणेश चतुर्थी के ऊपर. तो मैं इस वीडियो में बात करूंगा अबाउट हाउ आई यूज टू सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल एंड हाउ आई एम स्टिल सेलिब्रेटिंग सिटिंग एट होम. और इस वीडियो में मैं दो टॉपिक को भी कवर करने वाला हूँ. एंड द फर्स्ट टॉपिक विल बी द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस फेस्टिवल एंड सेकेंड द लिटरल मीनिंग ऑफ द आरती गालिंग लोटांगल. और मैं बस इसी आरती का क्यों मीनिंग बताऊंगा ये भी मैं उसी वक्त बताऊंगा जब टाइम आएगा. तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त को जाया किए. तो बैक देन इन 2019 और उसके पहले के साल भी मैं बस गणेश वेकेशंस के लिए हुआ करता था. आई जस्ट यूज टू वेट कि कब मुझे गणेश वेकेशंस मिले. और जैसे वो मिलते थे तो मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे इनवाइट किया करते थे उनके घर पे फॉर गणेश. अच्छा लगता था, मैं बहुत एक्साइटेड होता था कि मैं उनके घर जाऊँ. पर अब हम जैसे जानते हैं कि ये पेंडेमिक चल रहा है और इस वायरस के चलते हम सब लॉकडाउन में हैं, तो हम कहीं जा नहीं सकते, वी कांट गो एनीवेयर. तो हमें वो कहीं ना कहीं दुख है कि हम इस बार गणेश चतुर्थी हमारे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ नहीं मना सकते. मुझे भी बहुत दुख होता है क्योंकि मैं इस साल लाइक मैं घर विजिट नहीं कर सकता. नहीं तो जब ये वेकेशन आती है आई जस्ट ये पूरे वेकेशंस में बस घर टू घर विजिट करता हूँ मेरे दोस्तों के. यार करना चाहता हूँ अभी भी पर पॉसिबल नहीं है. तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मेरे फ्रेंड्स के पास से उनके गणेश आइडल के पिक्स लूँ और एक वीडियो बनाऊँ. ये रहे वो, हैव अ लुक. गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचंद्राय श्री गणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचंद्राय श्री गणेशाय धीमहि. गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यगलक्षेत्रे गुरुधर्म सदाराध्याय गुरुपुत्र परित्रात्रे गुरुपाखंड खंडकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गंधमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि थे जो मैंने मेरे फ्रेंड्स से मांगे थे और उन सबको एक कलेक्ट करके ऐसे ही घर पे बैठे बैठे मैंने दर्शन कर लिए. एंड या देयर्स वन मोर पिक आई वांट टू शो यू गाइस, प्लीज हैव अ लुक. तो ये मेरा फ्रेंड सिद्धांत है
जिसने मुझे और मेरे बाकी के दो दोस्त समीर और मस्टेन को वीडियो कॉन्फ्रेंस पर रखा था। और एक्चुअली हम चारों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस करके मेरा जो फ्रेंड सिद्धांत है उसके घर पे पप्पा के दर्शन किए थे। सोचा नहीं था कि पप्पा के दर्शन कुछ इस प्रकार होंगे, सच में नहीं सोचा था। 2020 तो और क्या दिखाने का रह गया भाई, मतलब और कुछ बचा है तुझे दिखाने के लिए? मैं सच में दिल से आशा करता हूँ, दिल से ये उम्मीद करता हूँ कि पप्पा अपने साथ इस मुसीबत कोविड को भी ले जाए। प्लीज पप्पा, प्लीज 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 प्लीज। तो अब बारी आती है हमारे फर्स्ट टॉपिक को कवर करने की। गणेश चतुर्थी इज सेलिब्रेटेड एनुअली टू मार्क द बर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा, द गॉड ऑफ न्यू बिगिनिंग्स एंड अ फ्रेश स्टार्ट। द फेस्टिवल फॉल्स इन मंथ ऑफ भाद्रा अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर एंड इन ऑगस्ट सेप्टेम्बर अकॉर्डिंग टू द ग्रिगोरियन कैलेंडर। इट इज बिलीव दैट डिवोटीज हु प्रे टू गणेशा आर एबल टू फुलफिल देयर विशेज एंड डिजायर्स। So, the main essence of Ganesh Chaturthi is that devotees who pray to him are set free of sins and it leads them on the path of knowledge and wisdom. Historically, the festival has been celebrated since the time of King Shivaji. It was during India's freedom struggle that Lokmanya Tilak changed Ganesh Chaturthi from a private celebration to a grand public festival where people from all castes of the society can come together, pray and be united. Over the years, with growing environmental awareness, people have started celebrating Ganesh Chaturthi in an environmentally friendly way. This includes getting Ganesha idols made of natural clay, mitti, and using only flowers and natural items for decorating the pendants. Yep. तो ये वो सारे आर्टिकल्स थे जो मेरे टाइम्स ऑफ इंडिया से मिले और मुझे वहाँ से और बहुत से आर्टिकल्स भी मिले जो मैं ऐड करना चाहता था पर नहीं कर पाया क्योंकि वीडियो को मैं थोड़ी ध्यान में रखते हुए वीडियो की थोड़ी लेंथ बड़ी हो जाती तो वीडियो थोड़ी बोरिंग सी हो जाती, इसलिए मैंने नहीं किया। अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पर जाकर रीड कर सकते हैं। तो ये हो गई अब इम्पोर्टेंस की बात। अभी अगर मैं गणेश चतुर्थी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ और अगर मैंने यहाँ पे डेकोरेशन और लजीज खाने की बात ना की तो मैंने क्या ही वीडियो बनाई, नहीं मतलब मैंने क्या ही वीडियो बनाई। तो चलिए पहले देखते हैं, हम थोड़ी सी डेकोरेशन की बात कर लेते हैं और फिर हम लजीज खाने के ऊपर भी चलते हैं। डेकोरेशन की बात करें और इसमें माटोली का जिक्र ना हो, ऐसे हो ही नहीं सकता। अब माटोली क्या है, इसे क्यों डेकोरेट किया जाता है और इसे क्यों लगाया जाता है, मैं आपको ये सब बताऊंगा। पहले आप ये कुछ पिक्चर्स हैं उन्हें देख लीजिए जिसमें आपको देखने मिलेगा कि माटोली को सजाने के लिए कौन से गुड्स हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। हैव अ लुक। तो जिस तरह आप इन फोटोज में देखेंगे यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि तरह तरह के फलों से, तरह तरह के पत्तों से माटोली को सजाया जाता है और ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमें नेचर से मिलती हैं, जो हमें एनवायरमेंट से मिलती है। इन्हें इतने अच्छे से सजाया जाता है कि इनसे नज़रें नहीं हटती और हमेशा माटोली को गणपति बप्पा की मूर्ति के ऊपर सजाया जाता है। तो जैसे अभी आपने देखा कि माटोली किस प्रकार से दिखती है, उसे किस प्रकार से सजाया जाता है, तो आइए इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। द ट्रेडिशन ऑफ मेकिंग अ माटोली विच इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन इन गोवा एंड कनकोन गिव्स अ सीजनल फ्लोरल वेलकम टू लॉर्ड गणेश। The clay idol of Ganesh is installed only after the matoli is decorated with seasonal flowers, fruits and other floral diversity. The matoli depicts various elements of seasonal floral wealth available in the locality. Families residing in the foothills or in the lush green forest of Western Ghats try all the possible attempts to decorate their matoli with a variety of seasonal flowers and fruits. Arjun Gawas, a folklorist, says, The elephant-headed Lord Ganesh is the symbolic representation of nature and environment. By decorating the matoli, our ancestors have given us a feeling of forest through the tradition of matoli. Knowledge of anatobotany is been transmitted from one generation to another. Madhav Gaonkar, an agriculturist, said, We decorate our matoli mainly with flowers and fruits, creepers and leaves brought from the jungle. Threads made from the bark of Kevan shrubs are used specially for tying the floral element. Every year, I make use of Chavarmando bark for the outer border of our matoli. ये तो बात हो गई माटोली की। अब हम बात करेंगे लजीज खाने की। मुंह में पानी आया ना? देखो। तरह आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पे आपको तरह-तरह के पकवान देखने मिलेंगे। यहाँ पे आपको देखने मिल जाती है दाल, चावल,
और दो तीन टाइप की सब्जियां भी है यहाँ पे, पूरी भी है और खीर भी है। एक बार इस थाली को देखो यार, ने मतलब सच में मुंह में पानी आ जाता है ऐसे खाने को देख के। मतलब यहाँ पे दाल है, चावल है, खीर पूरी सब्जी, अरे यहाँ तो पातुली भी है। ओ माय गॉड, आई एम सो मिसिंग दिस। इसकी एक और अच्छी बात यह है कि इस पकवान को केले के पन्ने पे परोसा जाता है, एंड दिस गिव्स अ गुड इंडियन ट्रेडिशनल लुक। और उनके साथ जो मोदक पेश किए जाते हैं एज अ डिजर्ट, वो भी लाजवाब होते हैं। ये खाने के बाद पेट तो भर जाता है पर मन नहीं भरता। मुझे पता है इतने डिलीशियस खाने को देखने के बाद किसी के भी मुंह में पानी आ ही जाएगा। एंड आई एम सो मिसिंग दिस फूड, सो 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 मिसिंग दिस फूड। आई विश कि मुझे नेक्स्ट ईयर ये खाना खाने मिले। तो अब बारी आ गई है हमारे सेकेंड टॉपिक को कवर करने की, जो कि है लास्ट बट नॉट द लिस्ट। तो चलिए देखते हैं आरती घालिन लोटांगण का अर्थ क्या होता है। घालिन लोटांगण वंदिन चरणन, ओ लॉर्ड विल लाई डाउन एंड बाव डाउन एट योर फीट। डॉलियानी पाहिन रूपन तुझे, विल सी द ब्यूटिफुल फॉर्म ऑफ योर्स थ्रू माई आईज। प्रेमी अलिंगन आनंद पूजन, विल हग यू विथ ऑल माई लव एंड वर्शिप यू विथ ऑल द हैप्पीनेस विद इन। भावे ओ वालिन मनी नमा, एंड डूइंग सो विल वर्शिप यू विथ ऑल डिवोशन एंड विल ऑफर माई सेल्फ टू यू। तमेव माता पिता तमेव, आफ्टर ऑल यू आर ओनली आ माई मदर, यू आर माई फादर। तमेव बंधु सखा तमेव, यू आर माई सिबलिंग एंड माई कंपेनियन। तमेव विद्या ध्रुविनम तमेव, यू आर द नॉलेज आई सीक फॉर एंड द वेल्थ आई यर्न फॉर। तमेव सर्वम मम देव देव, यू आर माई एवरीथिंग, यू आर माई ऑल माइटी गॉड। कायेन वाचा मनसेन्द्रियवा, नोइंग दिस विथ माई एफर्ट्स थ्रू बॉडी एंड बाय द लिमिटेड इंटेलेक्ट एंड सेंस। बुद्ध्यात मनावा प्रकृतित स्वभावात, सो ऑल्सो थ्रू इंटेलेक्ट सेल्फ बाय नेचर एंड बिहेवियर। करोमि यत यत सकलम परस्मे, वट एवर आई डू विथ ऑल द अबाव, नारायण यति समर्पयामि। आई ऑफर ऑल दैट टू यू लॉर्ड नारायण। अश्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्णदामोदरम वसुदेवम हरि, श्रीधम माधवम गोपिका वलहम, जानकी नायकम रामचंद्र भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आई सल्यूट यू ओ अश्युता, आई सल्यूट यू ओ केशवा, आई सल्यूट यू ओ रामा द इनक्रेशन ऑफ नारायण। आई सल्यूट यू ओ कृष्णा हुज नोन एज दामोदरा। आई सल्यूट यू ओ वासुदेवा, आई सल्यूट यू ओ हरि। आई सल्यूट यू ओ श्रीधारा, आई सल्यूट यू ओ माधवा। आई सल्यूट यू हु वॉज द मोस्ट बिलवर्ड ऑफ द गोपिकाज। आई सल्यूट यू ओ रामचंद्र द लॉर्ड ऑफ जानकी। यस, दिस वॉज द मीनिंग ऑफ आरती घालिन लोटांगण। मैंने ये आरती इसलिए चूज की थी क्योंकि ये आरती जब गाई जाती है ना, इसके साथ ढोल ताशे खंजरी सब बजाए जाते हैं, और उसके साथ जो स्पीड होती है, जो एनर्जी होती है, ओ माय गॉड, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सच में एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। इट्स लाइक यू फील सो ब्लेस्ड, यू फील सो ब्लेस्ड। इट इज़ लाइक लिटरली गूज बम्पिंग, एंड आपकी जो एनर्जी जो होती है ना, दैट एनर्जी इज लाइक पुफ ऐसे निकल जाती है ड्यूरिंग दिस आरती। एंड आई रियली एंजॉय दिस, एंड आई एम सो मिसिंग दिस नाउ, आई एम रियली मिसिंग दिस वन। होपफुली नेक्स्ट टाइम। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलता हूँ आपको मेरी अगली वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग। दिस इज मी रिशद हुसैन साइनिंग ऑफ। यू गाइस टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम, स्टे सेफ। और हाँ, गणपति बप्पा मोरिया, फुल्या वर्षी लोकरिया।